तो मित्रों, आज का विषय रिटायरमेंट बेनिफिट्स या सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों के बारे में है। ये लाभ पुरानी पेंशन योजना से संबंधित हैं, यानी ये रिटायरमेंट बेनिफिट 1 अप्रैल 2004 से पहले सेवा में आए कर्मचारियों को मिलते हैं। दोस्तों, दरअसल हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि भारत सरकार रिटायर होने वाले कर्मचारी को इतने सारे लाभ और सुविधाएं देती है कि व्यक्ति एक गरिमामय और चिंता मुक्त जीवन आसानी से जी सकता है। तो आज हम रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब भी देंगे और आपकी शंकाओं का समाधान भी करेंगे। इससे पहले कि सवाल जवाब का दौर शुरू हो, एक बहुत ही जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस सूचना को आप सब लोग नोट कर लें। जितने भी रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं, उनको अपने जीवन साथी के साथ यानी पति पत्नी का एक संयुक्त बैंक खाता खुलवाना बेहतर रहेगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन शुरू करने में किसी तरह की कठिनाई न हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये एक काम करना है। अच्छा, और क्या करना है? एक और जरूरी काम है, वो ये कि रिटायरमेंट से 6 महीने पहले पेंशन से जुड़े सारे फॉर्म्स और दस्तावेजों को भरकर आप लोगों को उन्हें पूरा कर लेना है। एनआईसी तथा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने भविष्य नाम से एक ऑनलाइन पेंशन और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। रेलवे, डिफेंस और पीएनटी में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा सभी को अनिवार्य रूप से अपने सभी फॉर्म्स ऑनलाइन ही भरने होंगे। तो चलिए अब अपनी वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवालों और जवाबों का दौर, प्रश्न आप लोगों के और जवाब मेरी ओर से। जी, पहले आप आलोक जी। मेरी परेशानी यह है, क्या पेंशन पाने के लिए 20 साल की सर्विस जरूरी है? ऐसा मुझे किसी ने बताया था, लेकिन मेरी सर्विस शायद पूरे 20 साल की ना रहे। देखिए, पेंशन के नियमों के अनुसार सिर्फ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 20 वर्ष की अर्हक सेवा जरूरी है। आई बात समझ में आपको? जबकि किसी अन्य परिस्थिति में सेवानिवृत्ति होने पर यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी ने भी 10 वर्ष की पूर्णकालिक अर्हक सेवा या क्वालिफाइंग सर्विस की है तो वो पेंशन का हकदार है। ऐसे मामलों में पहले जो पेंशन निर्धारित होती थी वो अर्हक सेवा के समानुपातिक थी, यानी जितनी सेवा उसके अनुपात में पेंशन। जबकि अब 10 साल की अर्हक सेवा पूरी करके रिटायर होने वाले कर्मचारी को अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने का नियम बना दिया गया है। लेकिन जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 वर्ष से कम है, उन्हें भारत सरकार पेंशन तो नहीं लेकिन सर्विस ग्रेच्युटी के रूप में एक मुश्त राशि देती है। जी आलोक जी, मुझे यह समझ में नहीं आता कि पेंशन की गणना किस तरह की जाती है। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, यह बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी अंतिम बेसिक पे का 50%, नोट कर लीजिए आप, आपकी जो अंतिम बेसिक पे है उसका जो 50% है वो आपकी पेंशन होती है। या फिर ये पिछले 10 महीने में आपको मिले औसत वेतन का 50% तय होती है। अब दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही आपकी पेंशन तय होगा। यानी भारत सरकार ये चाहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। वैसे आप चाहें तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पेंशन कैलकुलेटर की सुविधा है, आप उसके जरिए खुद अपनी पेंशन का अंदाजा लगा सकते हैं। जनाब जी, क्या हमें उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी? बिल्कुल नहीं। इसमें भारत सरकार द्वारा समय समय पर घोषित किया गया महंगाई राहत भत्ता या DR की राशि भी जुड़ती रहेगी, ताकि बढ़ती महंगाई दर के कारण पेंशनर को कोई मुश्किल ना हो। और साथ ही नए वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी भी होती रहती है। तो अब आप ही बताइए, है ना ये खुशखबरी? अरे वाह, ये तो नौकरी के जैसे ही फायदा है। जी आलोक जी, केंद्र सरकार ने अब तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए निर्धारित कर दी है।
यानी इससे कम पेंशन तो मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपए रखी गई है। जी मैम, आपने बताया कि पेंशन राशि पर महंगाई राहत भत्ता भी मिलेगा। जी हाँ। अच्छा, तो इसकी कोई लिमिट तय है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं। महंगाई राहत भत्ते में भारत सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियों के लिए जितनी बार और जितनी भी बढ़ोतरी की जाएगी, ध्यान से सुनिए, जितनी बार और जितनी भी बढ़ोतरी की जाएगी, उसका सारा लाभ सारे पेंशनर्स को भी मिलेगा। इसके अलावा पेंशनर या कुटुंब पेंशनर की उम्र 80 साल होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन या कुटुंब पेंशन दी जाती है। अतिरिक्त पेंशन या कुटुंब पेंशन की राशि 85, 90, 95 और 100 साल की उम्र होने पर बढ़कर मूल पेंशन अथवा कुटुंब पेंशन का क्रमशः 30%, 40%, 50% एवं 100% हो जाती है। इसके अतिरिक्त पेंशन या कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत भी देय है। सर जी, मैं ग्रुप गौ का कर्मचारी हूँ। जी, मैं चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद एक छोटी सी अपनी दुकान खोल लूँ। मैंने सुना है पेंशन के एक हिस्से के बदले भारत सरकार से एक मुश्त कुछ रकम ली जा सकती है, क्या ये बात सही है? जी, आपकी सूचना बिल्कुल सही है। इसे कम्यूटेशन कहा जाता है, यानी पेंशन की एक हिस्से के बदले में मिलने वाली एक मुश्त धनराशि। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। कोई भी पेंशन धारक अपनी पेंशन का अधिकतम 40% हिस्से के बदले में एक मुश्त रकम ले सकता है। इस राशि को आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ये मत भूलिएगा आप कि कम्यूट की गई पेंशन को घटाकर बची हुई पेंशन ही आपको मिलती रहेगी। जी, क्या हमेशा ही हमें घटी हुई पेंशन मिलती रहेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सिर्फ 15 साल के लिए होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा सिर्फ 15 साल के लिए होगा। 15 वर्ष के बाद आपको फिर अपनी पूरी पेंशन मिलने लगेगी। और हां, इस दौरान जो महंगाई भत्ता मिलेगा वो आपको पूरी पेंशन पर ही मिलेगा। तो है ना ये फायदे की बात। एक मुश्त राशि से, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आप अपने बच्चों की शादी कीजिए, अपना बिजनेस शुरू कीजिए या अपने अधूरे सपने को पूरा कीजिए, और 15 साल के बाद फिर से पूरी पेंशन पाइए। सर, मेरा एक सवाल है। जी, खुदा ना खास्ता इस दौरान पेंशन धारक का इंतकाल हो जाता है तो क्या होगा? देखिए, उस परिस्थिति में फैमिली पेंशन में से कम्यूटेशन की रकम घटाई नहीं जाती। तो अब आप ही बताइए, भारत सरकार को आपका और आपके परिवार वालों का कितना ख्याल है? आलोक जी, अभी आपने बताया कि 10 वर्षों से कम नौकरी वालों के लिए भारत सरकार सर्विस ग्रेच्युटी या सेवा उपदान देती है, पर मेरा सवाल यह है कि जो कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं क्या वो भी सेवा का लाभ उठा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, ग्रेच्युटी आपको एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के बदले में इनाम के रूप में दी जाती है। पेंशन पाने वाले सेवा उपदान के पात्र नहीं है, बल्कि उनको सेवानिवृत्ति उपदान यानी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलती है, और ये 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद ही मिलती है, और 5 साल से ज्यादा लेकिन 10 साल से कम नौकरी कर चुके कर्मचारी को सेवा उपदान के साथ सेवानिवृत्ति उपदान भी मिलता है। हाँ, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए इसके नियम थोड़े से अलग हैं। पहला, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की राशि की गणना प्रत्येक 6 माह की सेवा के आधार पर होती है। दूसरा, हर 6 माह में प्रति माह वेतन के 1/4 की दर से राशि जोड़ी जाती है। वेतन में महंगाई भत्ते की राशि भी शामिल है। तीसरा, इस राशि की अधिकतम सीमा 16.5 माह के वेतन की राशि के बराबर हो सकती है। चौथा, अधिकतम राशि 20 लाख तक ही हो सकती है, जबकि न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं है। आलोक जी, मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। जी, मैं सभी को यही बताना चाहूंगा कि ये सारे लाभ हमें GPF की धनराशि के अलावा मिलते हैं।
जीपीएफ या जनरल प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये तो यहाँ पर सभी जानते हैं। फिर भी अगर कोई ये बताए कि जीपीएफ से संबंधित नियम क्या है तो मुझे अच्छा लगेगा। जी जी, हम सभी कर्मचारी प्रतिमाह भविष्य निधि में जो अंशदान करते हैं उस राशि में सरकार के द्वारा निर्धारित ब्याज दर जोड़ दी जाती है और संपूर्ण धनराशि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिल जाती है। भविष्य निधि में ये जो अंशदान है ये हमारे वेतन का एक छोटा सा हिस्सा होती है, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक इसी प्रकार साल दर साल चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जाने से यह राशि धीरे धीरे अच्छी खासी हो जाती है। अरे वाह, आपने तो बड़े आसान शब्दों में यह बात बता दी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरी तरह कुछ और लोग तैयार हों जो अपने साथियों का मार्गदर्शन करें और उनकी रिटायरमेंट संबंधी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करें। इसीलिए मैंने पुनीत जी से आग्रह किया है कि ये इस काम के लिए तैयार हो जाएं और ये इन्होंने मेरा आग्रह मान भी लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी आपका। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ आए और बातचीत को आगे बढ़ाएं। आइए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस नाचीज को ये मौका दिया सबके सामने बात करने का। तो अब पुनीत जी, आप सब लोगों को पेंशन के अतिरिक्त मिलने वाले दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। पुनीत जी, ऑल योर्स। सबसे पहले तो आलोक जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस नोबल कॉज के लिए हिस्सा बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज जी। तो पेंशन से जुड़े लाभ और सुविधाओं के बारे में तो आप लोग विस्तार से जान ही चुके हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फायदों के बारे में जानकारी दूंगा जो एक रिटायर होने वाले कर्मचारी को पेंशन से जुड़े बेनिफिट्स या फायदों के अलावा दिए जाते हैं, जिन्हें पेंशनेतर लाभ कहा जा सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है वैतनिक अवकाशों का नकदीकरण या जिसे हम लीव इनकैशमेंट कहते हैं। यानी यदि आपने पूरे समर्पण के साथ भारत सरकार को अपनी सेवाएं दी लेकिन इस दौरान जो वैतनिक अवकाश नहीं लिए तो उन अवकाशों के बदले में रिटायरमेंट के समय नगद रकम अदा की जाती है। हाँ, याद रखिए इसकी अधिकतम सीमा 300 दिन ही है, यानी लीव इनकैशमेंट मैक्सिमम 300 दिनों का होगा। इस नकदीकरण की गणना मूल वेतन और महंगाई भत्ते के जोड़ के आधार पर की जाती है। देखिए, अगर आपके अर्जित अवकाशों की संख्या यदि 300 दिनों से कम है तो ऐसी स्थिति में 300 दिन पूरा करने के लिए आपके आधे वेतन पर लिए अवकाशों में से उतनी लीव्स ले ली जाती है जिनसे 300 दिन पूरे हो जाए। अब आगे सुनिए। दूसरे, आपके द्वारा केंद्रीय कर्मियों की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम या GIS में दिए गए योगदान की राशि भी रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में दी जाती है। सेवा के दौरान आपके वेतन से हर महीने इस अंशदान की कटौती की जाएगी। इस कटौती समूह का के कर्मचारियों के वेतन से 120 रुपए प्रति माह होती है, जबकि समूह खा के कर्मचारियों से 60 रुपए प्रति माह और समूह गा कर्मचारियों से 30 रुपए प्रति माह होती है। और इस अंशदान का 70% स्कीम के बचत कोष में जाता है। रिटायर होने पर बचत कोष वाली राशि दे ब्याज सहित अंशदाता या पेंशनर को मिल जाती है। पुनीत जी, ये बताइए, क्या रिटायरमेंट के बाद अगर मैं अपने पैतृक शहर जाना चाहता हूं तो क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? बिल्कुल है, मैं इसी बात पर आ रहा था। भारत सरकार रिटायरमेंट के बाद आपके परिवार और सामान की शिफ्टिंग के लिए भी फंड देती है, जिसे CTG यानी कंपोजिट ट्रैवल ग्रांट कहा जाता है। हाँ, जो गौरतलब बात है वो ये है कि ये अनुदान सिर्फ पैतृक शहर या गांव जाने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए दिया जाता है। अब जैसे आकाश तो अपने पैतृक शहर जाना चाहते हैं, हो सकता कोई दूसरा देश में कहीं और जाना चाहे, इसके लिए भारत सरकार ने दरें निर्धारित की हुई है।
मोटे तौर पर यदि आपकी शिफ्टिंग का स्थान 20 किलोमीटर से अधिक है तो अंतिम माह के मूल वेतन का 80% CTG यानी कंपोजिट ट्रैवल ग्रांट दी जाती है। साथ ही परिवार के सभी पात्र सदस्यों का एक तरफ का यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। 20 किलोमीटर से कम दूरी होने पर ये CTG का एक तिहाई दिया जाता है। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो। हाँ, एक बात और, ये अनुदान रिटायरमेंट का एक साल पूरा होने से पहले लेना होता है और इसके लिए आपको किसी तरह एडवांस देने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि CTG का भुगतान TA बिल यानी यात्रा भत्ता बिल जमा करने के बाद किया जाता है और ये बिल यात्रा करने के 2 महीने के अंदर देने होंगे। लेकिन पुनीत जी, यहाँ एक अपवाद है। देखिए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के मामले में CTG 100% दिया जाता है। शुक्रिया आलोक जी, शुक्रिया। हाँ जी बोली। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीमों का फायदा क्या रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। सभी पेंशनर वार्षिक या लाइफ टाइम अंशदान का भुगतान करके सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग CGHS क्षेत्र में नहीं है वहां प्रति माह 1,000 रुपए का नियत मेडिकल भत्ता यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस या FMA अलग से दिया जाएगा। ऐसे पेंशनर अस्पताल में भर्ती के लिए CGHS कार्ड ले सकते हैं और OPD के स्थान पर FMA का लाभ केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीमों में योगदान देने वाले पेंशन भोगियों को CGHS अस्पतालों में OPD और IPD दोनों ही सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, अगर CGHS क्षेत्र में पेंशनर इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेता तो उसका FMA नहीं दिया जाएगा। क्यों लोग जी, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने पुनीत जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। प्लीज जी बैठ। देखिए, अभी तक पुनीत जी ने आपको रिटायरमेंट से जुड़े हुए मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में जानकारी दी है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जो सबसे अहम चीज है वो है जिंदगी के प्रति आपका नजरिया। नौकरी से सेवा मुक्त होने का अर्थ जीवन की सांझ नहीं होता है, ये तो एक नई सुबह होती है जिसका आपको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हां, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने रिटायर होने वाले मित्रों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है अनुभव। आप सभी से गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म पर अपने अनुभवों को आप अवश्य शेयर करें और ऐसा करके आप पुरस्कार भी जीत सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, रिटायरमेंट से रुकना नहीं है, चलते जाना है, और कोशिश करके दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, क्योंकि चलने का नाम ही है जिंदगी।